है वो तो मेरी खुश नसीबी होगा जो आपके साथ हम काम करेंगे वीडियो में। अगर लड़की ना चाहे तो किसी का बाप का दम नहीं कि कुछ गलत कर सके। पहचान बनाया, बहुत इतना हार्ड पहचान बनाया कि आज हमें इनका इंटरव्यू लेना पड़ रहा है। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सलाम। मैं आपका भाई मोहम्मद शमी और आप देख रहे हैं शमी एंटरटेनमेंट जॉन। सो गाइस, तो फाइनली बहुत ही मेहनत के बाद हमारे सामने आ रही है हमें इंटरव्यू देने कबूतरी उर्फ चांदनी क्वीन, जैसे कि आप सभी जानते हैं उनको। चलिए पहले हम उनसे आपको मिलवाते। हेलो चांदनी जी। हेलो, कैसी हैं? मस्त, आप कैसे हो? मैं भी मस्त। चांदनी क्वीन उर्फ कबूतरी, मैंने सही कहा? तो हमारा टॉपिक कुछ खास नहीं है, बस पब्लिक का डिमांड था कि कुछ इनसे पूछा जाए। और हमारा सो गाइस, तो आइए इनसे पूछते हैं। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपको यहाँ तक पहुँचने में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा, जितने छोटे क्रिएटर है सबको होता है कि भाई वो आगे चला गया, मतलब मोटिवेट मिलेगा अगर आप उनको बताएं तो। आपको मैं बता दूं कि जब शुरुआती में इस लाइन में आए थे तो गांव मोहल्ला सबसे पहले, उसके बाद फैमिली, तो मेरी मम्मी पापा सब मुझे बहुत सपोर्ट किए, आज उनके सपोर्ट की वजह से आज यहाँ तक है। तो आप कह रही हैं कि इस लाइन में जब आए तो आपके आस पड़ोस वाले जो लोग थे वो बहुत ज्यादा आपको टॉर्चर करते थे कि क्या बना रही है ये वो? ना, मुझे टॉर्चर नहीं करते थे, मतलब कि मेरी मम्मी को टॉर्चर। फिर भी आपने मतलब सोशल मीडिया पे अपना एक पहचान बनाया, बहुत इतना हार्ड पहचान बनाया कि आज हमें इनका इंटरव्यू लेना पड़ रहा है। पर्सनली तौर पे वैसे हम इनके दोस्त ही हैं। बट दूसरा क्वेश्चन ये है हमारा कि जैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जैसे आप लड़की हैं तो बहुत सारी लड़कियां सोचती है कि भोजपुरी लाइन में बहुत सारे लड़कियों को यूज किया जाता है, तो ऐसा मतलब क्या, मतलब कितना पॉइंट ऑफ व्यू से आपका सही है कितना गलत है? ऐसा तो मुझे भी सुनने में आता है, अगर लड़की ना चाहे तो किसी का बाप का दम नहीं कि कुछ गलत कर सके, या अगर लड़की चाहेगी तो हो ही सकता है। चांदनी जी, आप हमें ये बताएं कि सबका ये क्वेश्चन रहता है, हम गरीबों का तो और है, कि आपका कोई बॉयफ्रेंड? क्या कर रही हो, मुझे शर्म आ रही है। नहीं है, बॉयफ्रेंड है पर उसको प्राइवेट में रखे हुए हैं। अच्छा, समय आने पर वायरल करेंगे। हमसे ज्यादा स्मार्ट है क्या? दिल सच सच बताइएगा, सच सच बताइएगा दिल का। इस बात सब खैर, इनका कहने का मतलब है कि इनका बॉयफ्रेंड है बट वो पर्सनल है। वैसे भी बॉयफ्रेंड है, पर्सनल है, शादी करेंगे तो सबको पता चलेगा ना कि हाँ बॉयफ्रेंड है कि पति है। आपको भोज खिलाने के लिए बुलाया जाएगा, दावत हम देंगे, ये देना दे। वैसे चांदनी जी, जैसे मैंने अभी तक देखा है आपको, आप मनी मिराज के वीडियो से वायरल हुई थी। जी जी। और आपका दूसरा नाम बिहार और झारखंड में कबूतरी करके फेमस है। जी जी। तो आप कबूतर की तरह है क्या? पता नहीं, क्या आपको लगता है? मुझे तो लगता है, पब्लिक कमेंट करके बताए कि आपको लगता है कि नहीं। वैसे एक और बात था जो मैं काफी दिन से सोच रहा था कि पूछ लूं, कि अगर आपको मौका दिया जाए मेरे साथ काम करने का तो क्या आप कीजिएगा क्या? ओह माय गॉड, है वो तो मेरी खुश नसीबी होगा जो आपके साथ हम काम करेंगे वीडियो में। और थैंक यू सो मच दोस्त। वैसे हमारा जो ये वीडियो बन रहा है ये इंटरव्यू के तौर पर नहीं है, मैंने काफी दिन से सोच ही रहा था इनको, मैंने बहुत बार मैसेज भी ट्राई किया था बट अभी हम लोग नाइट में शूट कर रहे हैं एक ऑफिस में, डे में टाइम मिलता नहीं इनको शूट से। तो गाइस, तो जैसे कि हम लोग चांदनी जी से बात किए, काफी अच्छा लगा मुझे बात करके। तो चांदनी जी से अगला सवाल हमारा ये रहेगा कि चांदनी जी आप हमें ये बताएं, तो गाइस तो हम ये जानना चाहते हैं और सबका ये मतलब हर एक छोटा क्रिएटर को ये जानना चाहिए कि चांदनी जी जैसे आप इतना आगे गई हैं तो आपका हार्डवर्क भी काफी हार्ड होगा, तो आप अपना थोड़ा डेली रूटीन हमें बताएं कि कब उठती है, कब सोती है और कितना मेहनत करती है किसी भी सेट पे, सूट पे। सूट पे तो वही 11-12 बजे सोते हैं और सुबह 6 बजे उठ जाते हैं। हम लोग सोते हैं 2 बजे, उठते हैं 10 बजे, ये हम लोग का रूटीन है। खैर कोई नहीं, और आगे मैं बता दूं कि वैसे चांदनी जी हमारा ये मतलब शमी एंटरटेनमेंट जॉन चैनल पे आप फर्स्ट टाइम देखिएगा और पब्लिक को कुछ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय। और फिर इसी तरह हम आपको अपने ब्लॉग के माध्यम से बहुत काफी अच्छा, बहुत फेमस फेमस लोगों का इंटरव्यू दिखाएंगे। अभी हमें मिराज भाई, मनी मिराज जी का इंटरव्यू लेना है, आप थोड़ा बात कर लीजिएगा पर्सनली, और रियाज प्रेमी जी का भी लेना है, और आसिफ रजा जिनका फन फायर ऑनर है, उधर आरिफ भाई, आरिफ रजा जिनका ब्लॉग चैनल है,
सभी लेना है। और तो इसी तरह हमारे चैनल पे आप लोग बने रहें और इसी तरह काफी अच्छा ब्लॉग भी मिलेगा और इसी तरह का इंटरव्यू मिलेगा फेमस आदमी का। और चांदनी जी, जाते जाते मैं एक बात आपसे पूछ लूं कि आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब किया है क्या? जी थैंक यू सो मच। इसी के साथ हमारा होता है एंड।